तो दोस्तों व्हाट्सएप की ये समस्या कुछ ज्यादा ही चल रही है। किसी का व्हाट्सएप बैन हो रहा है, किसी का व्हाट्सएप ब्लॉक हो रहा है। तो इस वीडियो में ये तो बात करूंगा ही कि अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इसको कैसे अनबैन कराना है, कैसे रिस्टोर कराना है। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मेरा इस बात पर फोकस रहेगा कि आखिर ऐसा हो ही क्यों रहा है, क्योंकि किसी भी बात की जड़ जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर हो क्यों रहा है। और अभी यहां दो तरीके के लोग वीडियो देख रहे होंगे, एक तो वो जिनका व्हाट्सएप अकाउंट अभी अभी बैन हुआ है और वो पहली बार इस वीडियो पर आया है, एक वो जिनका अकाउंट बहुत टाइम पहले से बैन हो गया और वो अनबैन कराने के लिए, रिस्टोर कराने के लिए हर तरीके को उन्होंने फंडे अपना लिए, मेथड अपना लिए, जो कि अदर यूट्यूबर्स के द्वारा बताए जा रहे हैं, उनको फॉलो कर करके थक गए। आप इस वीडियो के लिए लाइक करिएगा और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब देखो व्हाट्सएप बैन और ब्लॉक होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी हाल ही में कौन से ज्यादा लार्ज स्केल पर करे जा रहे हैं, चल रहे हैं, उन पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे ज्यादा जो चल रहा है अभी के हाल में वो चल रहा है अर्न मनी ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी हद तक पार जा रहे हैं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा मेरी प्राइवेसी कहां जा रही है, मेरी डेटा है वो कहां लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी कर दो उनको भाई, आने चाहिए ऑनलाइन, है ना। लेकिन भाई फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अभी चल कुछ ऐसे रहा है कि आपके कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लिंक करके रखना होता है, यानी कि वहां पर लॉगिन करके रखना होता है, और जितने टाइम तक आप लॉगिन करेंगे उसके हिसाब से आपको कुछ कमीशन मिलेगी, कुछ रुपए मिलेगा। लेकिन एक सवाल यहां उठता है आखिर क्यों, उसके ऊपर हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि इन चीजों के बारे में लोगों को पता कहां से चल रहा है, तो पता करने का मेन सोर्स यही है कि यूट्यूब के थ्रू ही पता चल रहा है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके द्वारा वीडियो बनवाई जाती है उन वेबसाइट्स उन ऐप्स के द्वारा पैसे देकर, वैसे वो वीडियो बनवाए जाते हैं कि आप ऐसे करके यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं रेफर करके, यहाँ पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लिंक करके। और दूसरे तरीके के यूट्यूबर वो होते हैं जिन्होंने अभी अभी हाल ही में चैनल स्टार्ट करा है अर्निंग कैटेगरी का, ठीक है, वो अर्निंग कैटेगरी की वीडियो बनाने के लिए कुछ भी वही बनाते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता कि यूजर्स की प्राइवेसी कहां जा रही है, कस्टमर्स का क्या लॉस हो रहा है, उसमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वीडियो बनाने से मतलब है व्यूज मिलने चाहिए। अब यहां होता यह है कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को, फ्रेंड को या फिर किसी रिलेटिव को, किसी भी जानने वाले को ये सब चीजों के बारे में पता चलता है, वेबसाइट और ऐप के बारे में, वो पैसे बनाने के चक्कर में जैसा वहां बताया जाता है वैसा ही वो करता है, वो रेफर करता है अपने दोस्तों को। रेफर करने के बाद वहां पर ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अपने फ्रेंड को लॉगिन करवाइएगा उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, और जितने टाइम तक लॉगिन कर रखेंगे उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगी, जस्ट लाइक 150 रुपीज, 180 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, इतने के लिए भाई ये सब करते हैं वो। लेकिन इतना देने के लिए आपको कितना कुछ खोना पड़ता है वो आपकी थोड़ी देर में पता चलेगा। अब देखो अभी के हाल में कुछ वेबसाइट्स हैं जो चल रही हैं, उनका डायरेक्टली नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि ये स्पैम और मलिशियस कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि अगर मैं एक्चुअल नाम बोलूंगा तो हो सकता है कि यूट्यूब मेरी वीडियो को टर्मिनेट कर दे। मैं लेकिन कुछ आपको इशारा दे रहा हूं, जाओ शेयर वेबसाइट है एक, ऐसे करके बहुत ज्यादा चल रही है अभी, ठीक है, खरीदारी hero.bip करके ऐसे कुछ वेबसाइट है, इनके डोमेन नेम देखकर कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी ट्रस्टेड है कितना नहीं है। बीआईपी किसी का भाई डोमेन नेम है ना, तो समझदार हुआ। तो वो दोस्त आप शेयर करता है वो लिंक, ठीक है, रेफर करने के लिए, रुपए मिलने के लिए, और लिंक पे क्लिक करके आपको व्हाट्सएप अकाउंट है या फिर जो भी सोशल मीडिया है वो लिंक कर देता है, वहां पर लॉग इन कर देता है ओटीपीज के थ्रू या फिर वो क्यूआर कोड जो स्कैन होता है उसके थ्रू। और एक बार अगर लॉग इन हो गया तो एक दो दिन बाद व्हाट्सएप आपका बैन हो जाता है, क्योंकि वहां पर इलीगल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है आपके अकाउंट के ऊपर, और आपको ये लगता है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं, भाई कैसे हो गया, बैन क्यों कर दिया, ब्लॉक क्यों कर दिया। लेकिन व्हाट्सएप को जैसे ही ये पता चलता है वो व्हाट्सएप आपका बैन कर देता है। हाँ ये बस सच है कि आपके द्वारा कुछ नहीं करा गया है, लेकिन वो जहां भी आप लिंक करते हैं ना पूरा एक्सेस उन वेबसाइट्स उन ऐप्स के पास है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं आपके अकाउंट के थ्रू। तो इलीगल एक्टिविटी उनके द्वारा कराई जाती है, आपके द्वारा एक्टिविटीज नहीं करी जाती है, तो आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं करा, वो ऐसे सब कुछ होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सोच रहे होंगे व्हाट्सएप बैन ही तो हुआ है या फिर ब्लॉक ही तो हुआ है, कुछ नहीं हुआ इसमें, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आईडी से लिया हुआ है, ठीक है, आपको फोन की लोकेशन जो है उनके पास है, आपका जो आईपी एड्रेस है वो सब कुछ उनके पास है, आपका डेटा कितना ज्यादा उनके पास है, कोई केस होता है कोई दिक्कत होती है आप फंसोगे उसमें, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको ऑनलाइन अर्निंग के चक्कर में कहीं भी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, क्लिक भी करें तो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करें, कहीं भी रजिस्ट्रेशन करें भी तो बहुत ज्यादा सतर्क रहें, बहुत ज्यादा सावधान रहें, कोई भी एक्सेस इस तरीके का मांग रहा है जिसमें आपको शक लग रहा है बिल्कुल मत करिएगा भाई, क्योंकि फ्री में आजकल कोई कुछ नहीं देता यार। फ्री में अगर कहीं चीज कोई रुपए मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है आपको फ्री में ऑनलाइन, तो समझ लीजिएगा उसके पीछे बहुत ज्यादा राज है, पीछे पूरी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चल रही है, आपको कुछ नहीं पता है ना। तो आपका डेटा कितना लीक हो रहा पता चले, व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं वो सब कुछ उनको पता चल रहा है ना, ऐसा ही होता है। व्हाट्सएप में आपको फोन में क्या क्या डेटा है वो सब कुछ वहां पर देख रहे हैं वो लोग। दूसरे तरीके का जो सबसे ज्यादा बैन हो रहा है इस तरीके से कि व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव वो यूज कर रहे हैं लोग, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर के लिए, कुछ ज्यादा यूनिकनेस दिखाने के लिए, कुछ ज्यादा हीरोपंती के लिए, हमारा भाई लास्ट सीन हमारा कई टाइम पे दिखा रहा है, या फिर बिना रीड मतलब खोले चैट को वो व्हाट्सएप रीड कर ले रहे हैं मैसेज को, ऐसा कुछ यूनिक फीचर दिखाने के लिए वो अलग अलग व्हाट्सएप यूज करते हैं, जस्ट लाइक पिंक व्हाट्सएप, येलो व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप, अगर ऐसा कुछ भी आप यूज करते हैं तो आपका व्हाट्सएप कभी भी बैन हो सकता है। और दूसरी चीज, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भी सेफ नहीं है वहां पर, आपका डेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आप चैट कर रहे हैं किसको पता चल रहा है पता है क्या भाई, क्योंकि वो जो भी व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं वो प्ले स्टोर पर नहीं है, वो अदर वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हैं कहीं से भी एपीके, तो आपकी चैट आप वीडियो कॉल के कर रहे हैं सब कुछ किसी के पास जा रहा है, कुछ नहीं पता, और बैन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, हाईली 99% है वो आपका बैन होगा एक टाइम पर आकर। तो ऐसा कुछ भी यूज ना करें, अल्टरनेटिव यूज ना करें, और ऑनलाइन अर्निंग के चक्कर में किसी वेबसाइट पर जाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लिंक ना करें। तो ये दो
मेन ज्यादा रीजन चल रहा है अभी के हाल में, इनको मैंने बता दिया। हालांकि और कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो गया है तो आपको कैसे अनलॉक करना है, कुछ मैं जो पॉसिबल रीजन है उनको बता रहा हूँ। सबसे पहला मेथड जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड ही है, जब भी आपका व्हाट्सएप बैन होगा या फिर कोई भी ब्लॉक होगा या फिर कुछ टेम्पररी ब्लॉक होगा, तो वहां पर आपको एक पॉपअप आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। वहां पर नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा रिव्यू में डालने के लिए, वहां पर आपको रिव्यू डालना है। कुछ आपको नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एक तो वो वहां पर आंसर कर दीजिएगा। और वहां पर आपको एक सेक्शन आएगा जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम टाइप कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या दिक्कत है, वो सारा कुछ लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके का आप फॉर्मेट दे सकते हैं, और ये जो मेथड है वो सबसे ज्यादा बेस्ट। कुछ अदर मेथड भी है, उनको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है ईमेल, प्ले स्टोर पर जाएगा व्हाट्सएप जहां पर इंस्टॉल है, व्हाट्सएप पर जाएगा, नीचे आपको ईमेल वाले सेक्शन पर जाकर यहां पर ईमेल मिल जाएगी, उनको क्लिक करेंगे तो ईमेल में रीडायरेक्ट कर देगा, वहां पर आप ईमेल लिख सकते हैं उनको अनब्लॉक कराने के लिए या अनबैन कराने के लिए। तीसरा है व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, वहां पर आपको व्हाट्सएप मैसेजर वाला सेक्शन मिल जाएगा सपोर्ट में। वहां जाने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है, और वहां पर भी आपको ये अपनी प्रॉब्लम है वो डिस्क्रिप्शन में दे देनी है, पूरी डिस्क्राइब कर देनी है। उसके बाद 24 से 48 घंटे में आपको एक रिप्लाई मिल जाएगा, अगर बैन हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा तो, और नहीं होगा तो भी वो बता देंगे कि हम बैन नहीं, अनबैन नहीं कर सकते इसको, या फिर रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इलीगल एक्टिविटीज इस पर करी गई है, स्पैम वाली एक्टिविटीज देख रही है। अब देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सारी चीज तो बता देते हैं, स्टेप्स बता देते हैं, लेकिन यूजर को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते और वो चक्कर में पड़े रहते हैं कब हमारा अनबैन होगा, कब मतलब अनब्लॉक होगा, कैसे क्या होगा। मैं आपको सही सही बता देता हूँ कि भाई ये बिल्कुल जेन्युइन ट्रस्टेड मेथड नहीं है कि आपका एक बार आपने रिव्यू भेज दिया तो 100% आपका अनबैन हो ही जाएगा। ये उनकी रिव्यू की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, वो रिव्यू करने के बाद कितना आपको ट्रस्टेड बना, मतलब कितना ट्रस्टेड समझते हैं आपके अकाउंट को, कितना अच्छा लगता है उन्हें रिव्यू में करने के बाद, रिव्यू के बाद कितनी ज्यादा मतलब प्योरिटी दिखती है अकाउंट को, उसके हिसाब से आपका अकाउंट अनबैन होगा, अनब्लॉक होगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने रिव्यू के लिए भेज दिया, ईमेल कर दिया तो आपका अकाउंट अनबैन हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा समझ लो 50-50% के चांसेस है, हो गया है तो अनबैन हो जाए इस तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं मेथड को। और अगर अनबैन नहीं हो रहा है, अनब्लॉक नहीं हो रहा है, तो आप ज्यादा झंझट में मत पड़िएगा, आप दूसरे नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उस पर जो मैंने स्टेप्स बताया उनको कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है ताकि वो बैन ना हो। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि उस टाइम पर रिव्यू में भेजा लेकिन अनबैन नहीं हुआ, अनब्लॉक नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद अपने आप से ये अनबैन हो गया, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, कुछ टाइम बाद आप चेक करके देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहा है ना, तो बार बार इधर उधर की वीडियो फालतू में टाइम वेस्ट मत करिएगा आपने। मैंने क्लियर आपको सॉल्यूशन बता दिया, क्लियर आपको चीजें बता दी जो कुछ भी हो रही है। इनके अलावा कोई अदर मेथड नहीं है, आपके फालतू में ढूंढते फड़े वीडियोज को ये इधर उधर सर्च करते चले, पता चले कुछ और ही डेटा आप कहीं भी लीक कर दे, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चला तो लाइक करेगा, शेयर करके अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।